हाँ, किधर की तैयारी की है? फोटो निकलवा रही है क्या? क्यों? देख रही हूँ तुम्हारे दोपड़े को सिकंदर, जानू तुम्हारा शर क्या हो गया है धूप में बैठ बैठ के। क्या हुआ है मेरे दोपड़े को? इतने हसीन हो गए हो ना कि बस चश्मे बदूर कहना चाहिए और कुछ नहीं। मैं कैसा लगा? कहाँ की तैयारी की है ये तो बता। यार हम लोगों ने ईद नहीं की। क्यों? सबने रखा था ईद का ब्लॉग, और ईद फर्स्ट ब्लॉग मैंने ब्लॉग रखा, अब ईद का दूसरा दिन सेकंड डे। पूछो कि ईद का फर्स्ट डे कहाँ गया? कहाँ गया वो? तो हमने मनाई ईद नहीं ना। अच्छा, मनाते तुम्हें मैंने कहा था कि ईद से पहले चावल लेके रखो कि हम बिरयानी बिरयानी बनाए, मगर तुम नहीं लाया। चावल थे नहीं, ऑयल था नहीं। चलो गोश्त तो हमें मिल गया कुर्बानी का, मगर पकाएंगे किसने? अच्छा, तो अभी क्या चावल लेने जा रही है? चावल लेने जाना है, ऑयल लेने जाना है। फिर भी अल्लाह का शुक्र है 5,000 है। अब देखते हैं कि 5,000 से क्या क्या घर का राशन आता है। और व्यूअर्स में आपको वो वापस आके दिखाती हूँ कि 5,000 से क्या कोई इस महंगाई के दौर में क्या लेके क्या ले सकता है। तो मेरे पास है ओनली 5,000 बस जी। तो देखो, अब देखते हैं कि 5,000 से मैं क्या खरीदती। ये देखो इंडिया का यहाँ पे कंचा। आपसे फिर शेयर। अब मुझे तो हंसी आ रही है, 5,000 से मैं क्या खरीद के क्या खरीदूंगी? तू बता भाई। चावल खरीदेंगे, ऑयल तो बचेगा क्या? क्या हुआ इसको, क्यों ऐसे देख रहे हैं? इसके स्टाइल देख रहे हो क्या हुआ है कि इसको इसको एक होती है सर्दी दिमाग पे लग जाती है, एक बंदों को गर्मी दिमाग पे लग जाती है। नहीं सिकंदर, कमरे में कौन चश्मा पहन के बैठता है? बाहर चल रहा है ना, धूप है ना, अभी इसको साफ ऑफ किया है, चेक किया, सही है। जो बाहर चल रही है ना धूप, गर्मी देखिए कितनी है। नहीं तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि सन ब्लॉक लगाओ, सन ब्लॉक लगी तेरे इधर में तगारी की मजदूरी कर करके मेरे हाल बुरा हो गया है। काम करवाया है मुझसे, एक दिन की भी दिहाड़ी दी है मुझे। हाँ, क्यों ऐसे शक्ल बनाई है? दौरा पड़ रहा है। किस चीज का? गर्मी की वजह से, गर्मी की वजह से। दूसरा है महंगाई की वजह से। गर्मी आज मुझे नहीं लग रही, हालांकि गर्मी भी है, मगर जो है ना सदमा लगा है उसकी वजह से परेशान हूँ। मैंने तो सुना था कि अभी सस्ताई हो गई है बहुत। अंगूठे की सस्ताई हो गई है। अंगूठे की बढ़ गई है चीजें। किस अंगूठे की? ठेंगे की। यार छोड़ो, तुम्हें क्या है। मैंने सोचा था कि 5,000 से चलो चावल और ऑयल आ जाएंगे, मगर इससे तो खाली ऑयल आ गया। ऑयल इतना महंगा है? ऑयल का ये देखो ना, खोल के दिखाओगे क्या है? हाँ, ऑयल देख लिया मैंने, देख लिया, सही है। देख करो, ये 5 पॉली बैग्स और ये मिले हमें 2,700 के। पता नहीं कितने के। मैंने तुम्हें कहा कि शारजा वाला ले लो 2,500 का, 200 रुपए भी बचते। 200 रुपए में क्या कुछ नहीं आ जाता। क्या क्या कुछ? चलो मैं 200 रुपए में देता हूँ तुम्हें। क्या कुछ ले आती 200 रुपए में वो? क्या तो ये ऑयल आ गया और मसाले थे, ये कोरमा मसाला लिया। मिलते जाएगी वर्ष, इसमें हम कोरमा बनाएंगे, आपको सिखाएंगे। और इसमें बिरयानी, और ये सिकंदर हमें टिक्का भूकी बनाना सिखाएगा। अगर नहीं सिखाई ना, इस साशे के पैसे देने पड़ेंगे। की ये अचारी गोश्त, ये मेरा फेवरेट है, वैसे ही मैं लेके रखती हूँ खाने का सत्यानाश करने के लिए। और इस चिकन वाइट कढ़ाई, ये कौन ये बनाएगा? सिकंदर ने लाई। सिकंदर ने लाई वाइट कढ़ाई? सिकंदर ने लाई। ये टिक्का मैक्रोनी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, कभी मेरी बहुत फेवरेट है। कभी कोई सब्जी बच जाती है, गोश्त की बूटी बच जाती है, तो ये मैक्रोनी उसमें डाल के वाह वाह क्या प्लेट बन जाती है। अच्छा, ये एक्स्ट्रा बहुत सुंदर चीजें ली है ना, तभी तो इतना बड़ा। नहीं दी है, 100 रुपए की है। 100 रुपए की है? 175। और ये इतनी खाने में लजीज होती है। और ये मैं असल से मैगी का फूड चैलेंज करूंगी,
उसके लिए लाई हूँ। मैं ऐसा से चैलेंज करूँगी मैगी का। और अभी मैं अभी वो बना रहा हूँ ना स्पाइस मैगी, आपको खानी पड़ेगी। खा कर देखो धुनिया निकल गई ना, पता चल। और ये टमाटो के चिप्स बहुत मजे ही हो गया है, मुझसे आज सदमे में उठाया नहीं जा रहा। और ये चावल और ये बासमती, ये चावल हम लेने गए थे, 5 किलो हम चावल लेते हैं, वो जो इम्तियाज में मिलते हैं ना। तो तूने पैसे नहीं बचाए 1 किलो के, तो शुक्र करिए 1 किलो के भी पैसे बचे हैं जो लाई है। ये बिरयानी हम इससे बनाएंगे, बस टोटल ये सामान आ गया 5,000। वो क्या है ये? वो थैली में ये सब्जियां लाई हूँ, बिरयानी बनाऊंगी 20 बिरयानी। तो एक किलो भिंडी, ये लहसुन, ये शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च होता है शिमला मिर्च, ये अदरक है, ये थोड़ी सब्जी भी बाहर से गली सड़ी मिलती है, ये साफ सुथरी होती है। धनिया तो मजे वाला नहीं था, धनिया तो सड़ा हुआ था। वो चावल नहीं आया पूरा महीना, कहाँ से खाएंगे? कोई मसला नहीं है, चावल की छुट्टी हम लोग के बहुत शौकीन है, रोटी कम। चावल की जगह पता है क्या करी हो? मैगी बनाए? नहीं नहीं, दाल बनाया करो। दाल तो किसके साथ खाएंगे? ऐसे ही पी लिया करो चम्मच से। चावल तो तू लेके देगा। हाँ सिकंदर क्या कर रहे हो? ये फिर क्या खोला है? मोटर? मोटर को खोल लिया? अब पानी सही आएगा? पूरी प्लेट नहीं लाया, ये खराब हो गई। ये दूसरी नहीं ले आया बर्गर। ये मोटर अजी प्लेट वठी आया हुआ जो बर्गर, गर्मी से सबका दिमाग खराब हो गया है यार। इतनी गर्मी हो गई है, पता नहीं क्यों बारिश कब आएगी। ये बारिश अभी आएगी थोड़ी देर में, रास्ते में आने वाली। जल्दी से मोटर बनाओ तो हम यहाँ पे ही नहा लें ठंडे ठंडे पानी से। ठंडे ठंडे पानी से नहाना, खारे पानी से? मोटर का पानी है ना ठंडा है, टंकी का इतना गर्म है। तो रास्ते में ना कहीं थी सारा दिन जो धूप पे पड़ी हुई है उधर, तो वो भी ठंडा पानी चाहिए क्या तुम्हें? अब देखते हैं कि ये तुमसे बनता है और पानी आता है। क्यों नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा क्या? तू बनाएगी क्या? ये दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या तेरा? क्या हो गया तेरे को? मैं होश में नहीं है। इसको क्या ऊपर रखोगे इसके? हाँ ये देखना, ये ऐसे ये आगे ऐसे देखी। ये क्या काम करती है ये? हाँ पानी को खींचती है। हाँ ये वाल है, इसको वाल अंदर दिल के बोलते हैं ना, वाल खराब हो गए हैं। हाँ। ये इसके वाल हैं, ये इसका दिल है मोटर का। हाँ वर्षी ये मोटर का दिल है, ये वाल है मोटर के। पता नहीं मुझे समझ में ये सारी चीजें नहीं आती। तुझे कहाँ से आएगी, तेरा क्या काम है इसे? तू जा अपने कोई सालन वालन बना। ओए सालन से याद आया, आज मैं कुछ भी नहीं करूंगी, गर्मी है। कुछ भी नहीं करेगी? नहीं बाहर से वो इतनी देर से मेरा भेजा तो खा रही है और कुछ नहीं करेगी, और क्या करेगी? हाँ आ गया पानी, कड़वा है मीठा? वो कड़वा है, खारा पानी बोरिंग वाला, वो तो रात को आएगा मीठा पानी दो दिन। ये कहाँ से आया मीठा? व्यूअर्स ये देखें, इसने मोटर बना दी और अब मोटर सही हो गई है। इसको मोटर बनाना भी आता है। हाँ सही है, उसको नीम के दरख्त को पानी दो। और मुर्गों की बाल्टी खाली हो गई है, खारे पानी से पिलाऊं क्या उनको? जब मैंने ये फर्श रात को धो के रखा था तो कौन चप्पलें पहन के आया मट्टी वाली? चप्पलें नहीं, मैं वो पांव से गंदे थे ना, मेरे पांव ऐसे थे, वो मैं लगाया था, कोई पता नहीं क्या होता। इस मटके को तो भरो, ये खाली पड़ा। मैं भरूंगा क्या, पागल हो गई है क्या? तुम्हें क्या हुआ है? मम्मा वो मुझे धाना हुआ था ना, उसके थोड़ा सा खा लेना, वो बार बार तंग करता, थोड़ा सा निकाल दिया दर्दी हुआ से। कौन किससे निकाली खाल? गर्मी कितनी है, बाहर नहीं निकलो, नहीं वो दरवाजा दे दो, कमरा ठंडा हो। आप